हम ब्लू वाटर आइलैंड में दुबई आई, जिसको एन दुबई बोला जाता है, उसके बिल्कुल नीचे खड़े हैं। एरिया बहुत अच्छा है, हैपनिंग सा है, जैसे लामेर बीच था ना, बिल्कुल वैसा ही है। चलो कॉफी पीने स्टारबक्स चलते हैं, सामने दिख रहा है। ओह माय गॉड, ये वाला स्टारबक्स तो बिल्कुल ही अलग इंटीरियर जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मरीन थीम पे बना हुआ है। इतना कूल इंटीरियर तो आई थिंक सिर्फ दुबई में ही मिल सकता है। इतना ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स का यूजेज किया हुआ है, मतलब जो स्टैंडर्ड स्टारबक्स के जो आउटलेट होता है उससे तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है ये। सो वन लाटे मैम, यू वांट हॉट और कोल्ड? कॉफी मोका। कोल्ड कॉफी मोका। यू वांट द डार्क और द व्हाइट वन सर? मिनिमम वन डार्क। वैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? यू वांट द डार्क और द व्हाइट? Okay, dark. ये हमारी कॉफी आ चुकी है। ये हमारा बिल था 47 धिरम, और ये इंडिया से काफी अलग लग रही है। पैकिंग बाकी पीकर पता चलेगा। इनको क्वांटिटी भी ज्यादा लग रही है। प्राइसिंग भी तो है ही है। प्राइसिंग उतनी है नहीं, प्राइसिंग डिफरेंट है। 100 रुपए ज्यादा है नहीं। इंडिया में अगर 750 के अराउंड पड़ती है दो कॉफीज, यहाँ पर लगा लो मोर देन 1000 है। कॉफी हमने पी ली, मैंने गलत ऑर्डर कर दी थी। ये आइस मोका है, इसमें क्वांटिटी बहुत कम होती है, मोस्टली आइस ही होती है। गलती से मैंने ये ऑर्डर कर दी थी। कॉफी अच्छी थी, इंडिया से टेस्ट डिफरेंट है, थोड़ा क्वालिटी बेटर है। कॉफी कैसी लग रही है? मेरी वाली क्वांटिटी ज्यादा है और टेस्ट भी अच्छा है। मतलब मैं यूजुअली हेजलनट लाके पीती हूँ, पर इस बार मैंने हेजलनट नहीं लिया क्योंकि हेजलनट का जो कॉस्ट है दैट वाज 6 दिरहम फॉर दैट सिरप एंड उसमें एक और कॉफी आ जाएगी, तो मैंने इस बार नॉर्मल ट्राई करी है, बट इसका टेस्ट अच्छा है। रिग्रेट तो नहीं कर रही? नहीं, ये नॉर्मल कॉफी भी इवन क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। मेरी कॉफी अच्छी थी। हॉट इज ऑलवेज गुड, बात तो सही है। ये जुमेरा बीच रेजिडेंस कोस्ट लाइन है, काफी सुंदर लग रहा है। न्यू एरिया बनाया है, काफी सुंदर है। हाँ, ये तो एरिया इतना जबरदस्त है, द लंदन प्रोजेक्ट। हम बैठे हैं इस जायंट व्हील के बिल्कुल नीचे और व्यू आ रहा है बिल्डिंग्स का, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और यहाँ पे कैफेज और रेस्टोरेंट है, सारे न्यू शॉप्स यहाँ पे खुले हैं, एकदम ही न्यू प्लेस डेवलप करी है। न्यू प्लेस है, ऑपरेशनल नहीं है, हमने ना ये देखा है, चल नहीं रहा। मे बी किसी की बुकिंग नहीं आई होगी। इसमें बैठ के लोग पूरा दुबई देखते हैं। हाँ, पर हमने ना ऑनलाइन चेक किया था, इसकी टिकट बहुत ही ज्यादा है। वाओ, व्यू देख रही हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा हम जन्नत में आ गए हैं। ब्लू वाटर आइलैंड है ये, वो जुमेरा बीच है ना, ये ब्लू वाटर आइलैंड। थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। इतना ज्यादा फैंटेसी टाइप लग रहा है कि आप यहाँ पे सिर्फ वॉक करते हुए आपको इतना अच्छा लगेगा ना, मतलब सुबह से लेके शाम तक आप यहाँ पे सिर्फ वॉक कर सकते हो। और इस ब्रिज पर सामने बिल्डिंग्स का व्यू देख के तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड ही आपको फीलिंग आती है। ये द लंदन प्रोजेक्ट कैफे बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसकी वाइब भी अलग लग रही है एकदम। ये लगे हुए हैं आइसक्रीम के स्टॉल्स। आइसक्रीम मैंने पता करी, यहाँ पर करीब 40 धिरम की एक आइसक्रीम है, जो कि इंडिया में 30-40 रुपए की होती है, यहाँ पर मोर देन 1000 रुपीज की। कितने की है? 40 धिरम इज 40 × 23। मत करो, 1000 से ऊपर है। कितना हुआ? बहुत ज्यादा है। 4 × 800 रुपीज से ज्यादा, 900,000 रुपए के करीब। बहुत ज्यादा है। एक स्कूप। हम सोच रहे थे वार्नर ब्रॉस में महंगी है, उसका नेक्स्ट लेवल है ये। इंडिया में जो सबसे एक्सपेंसिव मैंने देखा एक स्कूप था 250-300 रुपए का, ज्ञानीज का आता है, बास्किन रॉबिन्स का आता है। तो ये है बटर स्कॉच करके कोई खेला टाइप है। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक ये एरिया एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। पर हमने स्टारबक्स पी ली, हमने खाना भी खाया। कोई बात नहीं, बर्गर भी बहुत एक्सपेंसिव था। जब चॉइस ना हो तो फिर दो बर्गर हमने 1800 रुपए के खाए। 1800 रुपए के दो बर्गर? चलो चलते हैं, बहुत हो गया। चलो चलते हैं। ये एरिया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और मुझे लगता है ये दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है कि बीच साइड है और मैन मेड आइलैंड है। लेकिन जो लुक है, जो वाइब है यहाँ पर जो मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। इनफैक्ट दुबई में तो हर जगह वाइब मिलती है, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है। वो देख सकते हैं, वो है फुट ब्रिज, क्योंकि हम समुन्दर के ऊपर है, मैन मेड आइलैंड है। The
व्यू ऑफ द पाम यहाँ पर था, मतलब पाम जो मेरा के आस पास ही है, तो ये एरिया वैसे ही एक्सपेंसिव है, तो ये तो आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है। ये तो पता ही था कि यहाँ पे विलास भी एक्सपेंसिव, यहाँ पे जो घर है वो भी एक्सपेंसिव है, खाना खुना भी एक्सपेंसिव है, तो फिर आइसक्रीम बनती है 1000 रुपए की। उसका शौक है तो मुझे ऐसे ही चलते हुए एक स्पॉट दिखा, या लाइटिंग इतनी परफेक्ट है, मेरे पास एक लाइट है जो मैं ऑन करके रख रहा था, सिक्योरिटी गार्ड आ गए कि इतना लाउड नहीं है, लॉजिक बनता नहीं था। फिर मैंने ऐसे ही स्पॉट देखना शुरू करा तो मुझे एक परफेक्ट स्पॉट लगा। हम हैं जो जाइंट व्हील है वहाँ से राइट लेके हम थोड़ा सा पाथ लेके आए हैं जहाँ पे कैफेटेरिया है, और डेक के ऊपर हम सीढ़ियाँ लेकर ऊपर आ गए हैं। तो ये जो स्पॉट है ना, एक्चुअली ये बहुत अच्छा फोटोग्राफी स्पॉट है, और अगर आप इस एरिया में आते हो तो यहाँ पे आपने पक्का आना है। उसके बाद हम आगे बताते हैं ट्रैम वाला जो हमने सुबह नहीं करा क्योंकि टैक्सी टाइम लिमिटेड था, तो अभी बताते हैं कि क्या रास्ता है एग्जैक्टली, ताकि आप लोग वो चीज़ मिस ना करो जो हमने कर दी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो उसी फोटो स्पॉट के पास हमें एक ये कैफ़े दिख रहा है, डॉल्स ग्रीन करके, हेल्दी फूड, और यहाँ पर पांडास हैं और यहाँ आपको प्रोटीन शेक भी मिल जाएगा। अब हम जा रहे हैं फुट ब्रिज। तो ये परफेक्ट स्पॉट है। इस ब्रिज पे एक चीज देखने वाली, यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर लिखा है, मतलब ई बाइक्स या ऐसी चीजें चलती हैं, और इसकी लेन अलग से रखी हुई है, ऐसे नहीं कि पैदल बंदों के बीच में साइड में बज रही, तो वो अपनी लेन में जा रहे हैं जस्ट लाइक दिस। तो हम मैन मेड आइलैंड से जा रहे हैं बीच पे और नॉर्मल लैंड पे। पार्थ फोटो स्टेशन हेयर, नीचे जाके यू कैन गेट डाउन एंड यू कैन गेट योर सेल्फ क्लिक्ड। इस एरिया को फोटो स्पॉट्स के लिए ही बनाया गया है, इसमें रेलिंग नहीं आएगी। फुटब्रिज यहाँ पर खत्म हो जाता है। दिस इज द बीच एरिया, हम बीच में आ चुके हैं, और वो रहा दुबई आई। तो कुछ वाटर एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, आई थिंक वो दिन में होती हैं, जैसे जेट स्की होगी, और भी बहुत एक्टिविटीज है। वाओ, लैम्बोर्गिनी इसमें लिखा है, प्लीज लुक बट नॉट टच। नाइस कॉन्सेप्ट। छोटे बच्चों के अलावा कोई भी साइकिल स्कूटर बीच में नहीं चला सकता, ये सब लिखा हुआ है। कैफे काफी अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत ही एलिगेंट कैफे, टोटल वाइट बैकग्राउंड। अब हम ट्रैम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ खाएंगे भी पहले। हमारा फेवरेट सबवे मिल गया तो हम यही रुक रहे हैं और कुछ खाएंगे, और ये ओपन है 24 आवर्स, और ब्रेक लेने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। चलो, वन रोस्टेड चिकन ब्रेस्ट एंड वन वेजी डिलाइट। बिग बजर, 6 inch ब्रेड्स, हनी ओट्स। फॉर चिकन ओनली हनी मस्टर्ड एंड मेयोनीज, very light. करेंसी भी थोड़ी न्यू आने लगी है, ये थोड़ी डिफरेंट है, और ऐसे ही हमारे साथ बनी रही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।